तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यार मैं भी अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो यार सबसे पहले तो मैं बात करूँगा गोप्रो हीरो 9 ब्लैक के बारे में, जो मैं अपनी सेटिंग्स रखता हूँ। और फिर हम बात करेंगे कैनन M50 Mark II के बारे में, कि जो मैं इसकी सेटिंग्स रखता हूँ। तो जो मेरे वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पर, वो इससे आते हैं। अगर मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो बन रहा है तो वो इससे बनता है। तो इसके बारे में जो सेटिंग्स, सबसे बेस्ट सेटिंग्स मेरी जो रहती हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कैमरा ख़रीदा था, ये काफ़ी मुझे कॉस्टली पड़ गया था। अप्रॉक्स 34,000, मतलब 34,000 रुपये का ये कैमरा मुझे पड़ा था। और इसके साथ कुछ भी नहीं था, बस एक दो तीन माउंट थे और एक स्क्रू था और बस एक बैटरी, बस जो भी रहता है नॉर्मली, ठीक है। 1,000 रुपये में मैं अगर ऑनलाइन इसे लेता तो मुझे ये सस मुझे आई थिंक 9 की जगह 10 मिल जाता। और ये जो हमारा कैमरा है, ये हमारा DSLR है। ये अप्रॉक्स 60,000 के आसपास का लिया था, किट लेंस के साथ ही मिला और इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था। अभी मैं आता हूँ इस कैमरे की सेटिंग्स जो हमारी है। सबसे पहले तो हम इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन होने पर ऐसा कुछ साउंड आता है और इस टाइप से ऑन हो जाता है, ठीक है। अभी मैं इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये जो हमारा कैमरा है, ये कुछ इस टाइप से रिकॉर्ड करता है। और ऊपर से अगर हम इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये हमारा वॉइस कंट्रोल ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप बीप साउंड जो है वो ऑफ ऑन कर सकते हो। और यहाँ से आप जो क्विक कैप्चरिंग है, ये देखो, क्विक कैप्चरिंग का ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से आप स्क्रीन लॉक कर सकते हो। अगर आप यहाँ से लॉक कर दोगे तो फिर आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आप अगर ऑन कर दोगे तो आपको वीडियो में ये ग्रिड दिख रही है, ये लाइनें दिख रही हुई हैं, ये ऑन हो जाएंगी। यहाँ से आप ये अभी इस समय जो मेरे कैमरे का जो आगे का जो स्क्रीन है वो ऑफ है। तो अगर हम यहाँ से ऑन करना चाहें, अभी अगर हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर हम इस पे जाएंगे तो हमें इस टाइप का कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। स्क्रीन जो है वो मतलब पूरी फुल नहीं दिखाएगा, पर बीच का जो भी आपको पॉइंट है वो दिखाएगा। और हम अगर इस पे चले जाएंगे तो हमें ये पूरा जो स्क्रीन कैप्चर कर रहा है ये वो दिखाएगा। शायद ये पॉइंट बीच का पॉइंट दिखा रहा है और ये फुल स्क्रीन दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो अभी तो अपने केस में इसको बंद ही रखते हैं क्योंकि बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। यहाँ पे आपका ये भी कुछ एक फंक्शन है, आप चेक कर लो, मैं ऐसे यूज़ नहीं करता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे आपका जो एक फंक्शन है, ये मैक्स लेंस मोड है। ये आपका अगर मैक्स लेंस इसमें लगा होगा तो ये इनेबल कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर इस टाइप की तरफ इसको स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारी कनेक्शंस के आ जाएंगे, प्रेफरेंस हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे जनरल है, वॉइस कंट्रोल है, डिस्प्ले, डिस्प्ले आप किस तरह का करना चाहते हो। यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन, ब्राइटनेस वगैरह यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो 80% दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स, मोड, अबाउट और रीसेट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ से हम आ जाते हैं पीछे कनेक्शन में। अगर आप जाओगे तो वायरलेस कनेक्शन है और आपके पास कनेक्टेड डिवाइस है, USB कनेक्शन है। ऐसे मोबाइल से आप फोटो वगैरह डाउन वो शेयर करना चाहो तो इसके टाइप सी कनेक्टर से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से कर सकते हो। वाईफाई वगैरह भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं जो हम वीडियोस शूट करते हैं, तो वहाँ से हम कैसे इसे कंफर्म करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप का आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 5K तक जा सकते हैं, 240 FPS तक, ठीक है। ये हमारा दिखा रहा है, कुछ वार्निंग आ रहा है, तो 5K तक हम जा सकते हैं। अभी हमारा हम जो यूज़ करते हैं वो 1080p 60 फ्रेम करते हैं। 4K 2.7K तक जा सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ से आप अपना रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। लेंस सुपर व्यू पे रखा है मैंने, सुपर व्यू से हट के देखो आप, ये देखो ये लीनियर है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये क्या बोलते हैं आपका लीनियर है, ये आपका हॉरिजन लीनियर करके कुछ आ गया, और यहाँ से ये नैरो। तो उसको सुपर व्यू पे भी रख सकते हैं और मैं यहीं पे यूज़ करता हूँ इसको। हाइपर स्मूथ बूस्ट कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो, मैं बूस्ट पे रखता हूँ।
उसके बाद यहाँ से कुछ अपना शेड्यूल कैप्चरिंग कर सकते हो, ड्यूरेशन है ये आपका, ये सब कुछ सेटिंग्स हैं, टाइमर है, जूम है, बिटरेट हाई रखना, शटर ऑटो पे है, और आपका ईवी क्रॉप जो है वो 0 है, वाइट बैलेंस ऑटो है, आईएसओ जो है कैमरे का 100 है, मैक्सिमम 1600 है, शार्पनेस हाई है, और कलर जो है वो गोप्रो पे है, रॉ ऑडियो ऑफ है, विंड। देखो भाई इसमें एक चीज़ आपको करना है, ये जो है ये आपका ऑफ होता है, कई सारे केसेस में ऑफ होता है, तो इसको ऑन कर लेना, जो विंड नॉइज़ है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, और ये आप कर लोगे तो ये ऑटो पे चली जाएगी। तो और भी भाई बहुत सारे हैं, यहाँ तक आ जाओगे आप, रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए कुछ सेटिंग्स, यहाँ से आप शॉर्टकट बना के भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, इस टाइप से लीनियर कर लो या सुपर व्यू पे चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे भाई वापस आ जाओ, यहाँ से जूम कर सकते हो, हाइपर स्मूथ ऑन कर सकते हो, सिनेमैटिक आप यूज़ कर सकते हो, एक्टिविटी स्लोमो वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर स्क्रीन के ऐसे करोगे तो ये टाइम लैप्स से स्टार्ट करेगा, इस तरह करोगे वीडियो करना चालू कर देगा, स्टॉप करोगे तो ये फोटो में आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ थी कुछ सेटिंग्स इसकी। तो गाइस पसीना आ गया आप लोगों को बताते बताते, और अभी हम इसको करते हैं बंद। बंद होते समय ये कुछ इस तरह से बीप करता है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो, कमेंट करो अच्छे अच्छे से, और भाई जल्दी से बन के पहुँचाओ, बन के पहुँचने वाला है अपना चैनल। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। इसका मैं आप लोगों को अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी कुछ ऑटो फोकस की प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन में, तो कैमरे से ही शूट कर लेते हैं, गोप्रो से शूट कर लेंगे और इसका आपको दिखा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा कैनन M50 Mark II की सेटिंग्स आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे क्या होता है उसमें, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।